नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैन पावर कॉस्ट के बारे में। आप एक क्लाउड किचन चला रहे हैं, एक टेकअवे चला रहे हैं, एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस चला रहे हैं, आपको अपनी मैन पावर कॉस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। कई सारे मिथ्स भी हैं कि मैन पावर कॉस्ट और लेबर कॉस्ट अलग होती है या किस प्रकार से कैलकुलेट करें, कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अपनी जो मैन पावर कॉस्ट है उसको किस तरीके से इफ़िशेंटली यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बोल दीजिए अपने मैन पावर से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर कुछ टिप्स और भी होंगे जिनको कि आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी सेम मैन पावर में आपका ज़्यादा काम चल सके। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, मेरे एक क्लाइंट है मिस्टर कल्पेश, जो कि नवी मुंबई से हैं। ये मेरे फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम के इनरोल्ड मेंबर हैं। इनका आउटलेट है नवी मुंबई में फैटी फिंगर के नाम से, जो कि रीओपन हो रहा है नए मेन्यू के साथ। तो प्लीज़ अगर आप नवी मुंबई में रहते हैं, इनके आउटलेट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही डिलीशियस डिशेज मिल जाएंगी। कुछ यहाँ पे हमने यूनिक डिशेज भी डाली हैं जो कि आपको नवी मुंबई में कहीं भी नहीं मिलेंगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सअप के स्टेटस देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि मैं नई नई चीज़ें डालता रहता हूँ जो भी नए नए आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं। तो आप इनके आउटलेट पर ज़रूर जाइएगा, मेरी तरफ से आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। मैं यहाँ वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें आप लोग भी अपने मेरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स है, फूड मेंटरशिप प्रोग्राम में ले सकते हैं ताकि आप भी सीख सकें, आप भी ये सारी चीज़ें कर पाएं। टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो लेबर कॉस्ट है, जो मैन पावर कॉस्ट है, हम क्या मानते हैं कि मैन पावर कॉस्ट हमारी मैनेजर और शेफ़ लोगों की होती है और लेबर कॉस्ट हमारी जो यूटिलिटी हो गए, हेल्पर हो गए, राइडर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैन पावर कॉस्ट का मतलब वो सारे आप लोग बोल दीजिए जिन लोगों को आप पैसे पे कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके मैन पावर कॉस्ट में ही आते हैं। लेबर और मैन पावर कॉस्ट दोनों एक ही हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे क्या टर्म यूज़ करना है। आप लेबर कर लीजिए चाहे आप मैन पावर कर लीजिए, पर आप यहाँ पे मैन पावर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, एक अच्छा एक सुटेबल वर्ड हमारी इंडस्ट्री के लिए है। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है। दूसरा, यहाँ पे आपको किन किन लोगों की सैलरी इंक्लूड करनी है, वो सारे लोग जिनको कि आप लोग फुल टाइम पेमेंट कर रहे हो, हाफ टाइम पेमेंट कर रहे हो। जैसे कि कुछ लोग आप लोगों ने रखे होंगे जो कि कुछ समय के लिए, कुछ एक दो घंटे के लिए आपके पास आते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने HR रखे रहते हैं बाहर से, हमने डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे रखे रहते हैं, हमने CA रखे रहते हैं। तो ये सारे के सारे आपकी मैन पावर कॉस्ट के अंदर आते हैं क्योंकि ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। यहाँ पे आपको अपनी सैलरी भी इंक्लूड करनी है। आपकी सैलरी भी इंक्लूड ज़रूर होगी, आप चाहे अपनी कोई भी अमाउंट रख सकते हैं। तो इसके अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे, आपके शेफ़ भी आ जाएंगे, आपके मैनेजर भी आ जाएंगे, अगर आपने राइडर रखे हैं वो भी आ जाएंगे, कोई HR का बंदा रखा है वो भी आ जाएगा, कोई आपने इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या किसी भी प्रकार के लोग रखे जिनको कि आप सैलरी पे कर रहे हैं, फिक्स सैलरी पे कर रहे हैं, चाहे वो पार्ट टाइम के लिए काम कर रहा हो, फुल टाइम के लिए काम कर रहा हो, वो सारे के सारे आपके आपकी लेबर कॉस्ट या फिर आपकी मैन पावर कॉस्ट के अंदर आएंगे। लेबर या मैन पावर कॉस्ट के अंदर सिर्फ आपकी सैलरीज नहीं आती, इसके अलावा आप कुछ उनको बोनसेस दे रहे हैं वो भी आ रहे हैं, अगर आप उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं वो भी आते हैं, अगर आप उनको किसी प्रकार का मेडिक्लेम दिया है वो भी आता है, या इसके अलावा जो कि आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी मैन पावर कॉस्ट के अंदर आती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में डाल के रखनी है। सिर्फ सैलरी का मतलब मैन पावर कॉस्ट नहीं होता, उसके अलावा अगर आप मेडिकल के लिए कुछ पे कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ पे कर रहे हैं, तो वो भी आपकी मैन पावर कॉस्ट के अंदर ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मंथ के एंड में कुछ पार्टीज कर रहे हैं अपने, तो आपकी उस मंथ की जो सैलरीज होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि उस मंथ में जो भी आप लोगों ने खर्च किया है वो अपनी मैन पावर की वेलफेयर के लिए करा है। तो वहां पे आपका जो पार्ट होता है सैलरी का बढ़ जाएगा, पर बाकी मंथ में वो सेम रहेगा। दूसरा, यहाँ पे अगर हम लोग आइडियल मैन पावर कॉस्ट की बात करें तो लगभग आप 25-30% आप लोग कह सकते हो कि एक आइडियल मैन पावर कॉस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 लाख की सेल हो रही है तो 25-30 हज़ार मेरी मैन पावर कॉस्ट होनी चाहिए। अगर 2 लाख भी सेल हो रही है और इतने ही बंदों में काम चल रहा है तो आपकी मैन पावर कॉस्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 25-30% के बीच में ही रहनी चाहिए। पर कहीं कहीं केसेज हो जाते हैं जहाँ पर चीज़ें बढ़ जाती हैं, जहाँ पर कि हमारे मेन्यूज़ ज़्यादा लंबे या बड़े होते हैं। तो आइडियल तो यही है पर ऊपर नीचे ज़रूर होता है, कुछ भी यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है।
इसके अलावा किस प्रकार से आप अपनी मैन पावर की कॉस्ट को इफिशेंसी बढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले जो भी आप लोगों ने मैन पावर हायर की है, जिस टाइम आप लोग हायरिंग कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको उनसे क्या काम लेना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप उनसे कभी भी काम नहीं ले पाओगे। दूसरा, जब आप उन लोगों को हायर कर देते हैं तो आपको उनके लिए KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको तैयार करके रखने चाहिए। जैसे कि अगर मैं शेफ़ हूँ तो मेरे जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे, मेरी वेस्टेजेस होंगी, मेरे फूड के रिव्यूज़ होंगे और मेरे खाने की क्वालिटी होगी। अगर इन तीनों चीज़ों में कहीं कुछ कमी हो रही है तो मुझे आपको बताना चाहिए एज ए ऑनर या एज ए मैनेजर कि आपकी इन तीनों चीज़ों में कमी आ रही है, जिससे कि मैं उस चीज़ को ठीक कर पाऊँ। वहीं अगर राइडर्स की कमी हो रही है, कुछ भी कमी हो रही है, तो उससे शेफ़ को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर वो उन चीज़ों पर ध्यान देगा तो उसका ध्यान बटेगा और वो अपना काम नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं एक राइडर हूँ तो मेरी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए या मेरे KPIs होने चाहिए कि मैं खाना जल्दी से जल्दी 15 से 20 मिनट के अंदर अपने कस्टमर के पास पहुँचाऊँ, खाना मेरा गर्म होना चाहिए और खाने के जो मेरे जो रिव्यूज़ आएँ वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो रिव्यूज़ हमारे राइडर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अगर आपने अपने खुद के राइडर्स रखे हैं। पर वही सारी चीज़ें, कस्टमर बार बार बोल रहा है खाना ठंडा आ रहा है, आपके राइडर अच्छे नहीं हैं, अच्छे से बातें नहीं करते हैं, तो ये वो राइडर को आपको पकड़ना पड़ेगा, ना कि शेफ़ को ठंडे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो शेफ़ है अपनी तरफ से अच्छा खाना, गर्म खाना बना के दे रहा है, वहीं राइडर बीच में कहीं गायब हो जा रहा है, तो वो शेफ़ की दिक्कत नहीं है, शेफ़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो यही सारी चीज़ें अगर आप KPI सेट कर देते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप एक अच्छी तरीके से रूल और रेगुलेशन भी बना पाते हो और अपने एम्प्लॉयज़ की इफ़िशेंसी को भी बढ़ा पाते हो। तो यही सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैन पावर कॉस्ट क्या है और किस तरीके से आपको अपनी मैन पावर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी फूड बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, क्लाउड किचन हो, टेक अवे हो, रेस्टोरेंट हो या कोई भी फूड बिजनेस हो, तो आप मुझसे मेरी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हो। मेरे कई सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि जो अभी मैंने पहले कल्पेश के बारे में बताया, इन्होंने मेरे जो ऑनलाइन प्रोग्राम इनरोल्ड करे पड़े हैं, जहां पे उनको मैन पावर भी सप्लाई हो जा रही है, मैन पावर उनको मिल जा रही है। मैं सप्लाई का कोई ऐसा कुछ काम नहीं करता हूं, पर जो भी मेरे प्रोग्राम्स को इनरोल करते हैं वहां मैं उनकी पूरी तरीके से यहां पे उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। और आप भी अगर ये सारी चीज़ें इनरोल करोगे प्रोग्राम, तो आपकी इन सब चीज़ों में हेल्प हो जाएगी। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का नंबर भी मैं हमेशा नीचे लिख के रखता हूँ, आप जाके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोग्राम्स भी नहीं लेना चाहते, पर एक्चुअल में अगर आप लोगों की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, बिज़नेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फूड बिज़नेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप मुझे वो भी लिख के भेजिए। आप मुझे चाहे तो मेल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसे जैसे मेरी जो आप लोग मुझे देखते जा रहे हैं, मेरे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो मुझे पता लग पा रही है और मैं उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज को तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी मेरी सर्विसेज होती हैं वो कस्टमाइज होती हैं, मैं किसी भी तरीके की रिकॉर्डेड चीज़ें नहीं देता हूँ। जो भी क्लाइंट होता है, जिस भी प्रकार की उनको ज़रूरत होती है, मैं वहाँ पे वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो यही सब कुछ था आज की मेरी वीडियो में। फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस कमेंट, नीचे मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।